पंचायत भी हम मिले पंचर के पैसे भी हम लोग दे हमें मिला था 265,000 रुपए हम वो इनको नया दे रहे हैं 255,000 रुपए लेंस खराब हो गया दोबारा हो अब लेंस फिर लेने फिर जी वहां से निकले चलान हो गए हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग हैं जी चाय पीने के लिए चटखारा पे मौजूद है और मेरे पीछे सारे भाई देखे हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप उनकी तरह से जवाब दे रहे हो ठीक है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं उस्मान का और उस्मान किसी इवेंट पर गया था, जैसे ही वापस आ रहे तो पिंडी के लिए निकल रहे हैं हम लोगों ने कैम्प है, आज हम वेट करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे साथ रहे। पिछले 2 घंटे से हम लोग सारे इंतजार कर रहे थे होटल के ऊपर बैठ के कि भाई अभी उस्मान आते हैं अभी आते हैं और उस्मान खाना पीना करके आएगा इवेंट पे गया। तो उस्मान साहब कह रहे थे कि मैं आप लोगों के लिए सब कुछ खाए बगैर आ चुका हूँ, तो चलो निकलते हैं, देर हो रही है। अभी हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, तो अभी यहाँ से निकलेंगे पिंडी के लिए। जैसे ही हम लोग मोटरवे से उतर के पिंडी की तरफ जीटी रोड पे आए हैं तो हमें पता चला जी कि हमारी गाड़ी जो है वो पंचर हो चुकी है। तो अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से हम लोग अपनी तकरीबन हाफ लोकेशन जो है वो क्रॉस कर चुके थे और हम लोग पंचर लगवा रहे हैं गाड़ी को। पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो पंचर लग रहा है और कमरा में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कुरान हमारा जिगर। हाँ जी मैं पिंडी आ गया हूँ। पिंडी आके देखो ना हमें कितना अच्छा तोहफा मिला गाड़ी में। उस्मान गाड़ी में कितने पंचर थे? गाड़ी में नहीं थे वो भी मुझे लगता है भाई उसने जो यहाँ से फिर कराई है ना बा उससे कुछ चीज मारी। हाँ हमने वो चक्री में जो है वो गाड़ी में हवा भरवाई थी तो हमें फील हुआ था उस वहीं पे कह रहा था वो बंदा। भाई बैठा हुआ पता नहीं यहाँ पे परेशान होके बैठा हुआ। भाई कैसे हैं आप, क्या हुआ है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं पहले 3-4 दिन से इस्लामाबाद में था ट्रेनिंग में, तो कल रात को वापस आया, सुबह फिर मुझे पुणे की तरफ ले आए हो। आपकी आंखों से पता चल रहा है आपको बड़ी शदीद नींद आई हुई है। नींद भी आई हुई है, थकावट भी है और बस इसीलिए थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये बताओ कितने की ठुकी है पंचर पे? पंचर अमेरिकन पे होगा। अमेरिकन अमेरिकन कौन सा पंचर होता है? क्या कह रहा है, इसकी बात सुनी है? कह रहा पंचर पंचर अमेरिकन पे। पंचर पाकिस्तान में लगवा के हम नाम अमेरिका पे ले रहे हैं भाई। अमेरिकन जो है ना कह रहे पंचर अमेरिकन पे, गाड़ी इसकी सब कुछ इसका काम भी इसका पंचर अमेरिकन पे। वाह भाई, चाय भी हम पिलाए पंचर के पैसे भी हम लोग दे। भाई जान ऐसा वैसा कोई नहीं होने वाला, चुप करके दो पैसे देगा क्योंकि इसकी साइड पे पंचर हमारी साइड पे। ये सब शाम बैठा था तो शाम में गाड़ी उधर से, मैंने इसको कहा भी था उधर की गाड़ी चेक करवा लो, मुझे फील हो रहा है गाड़ी बैठी बैठी नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो खड़ी खड़ी थी खड़ी थी बैठी भी क्यों थी भाई, वो तो मैं सुबह ही वो जगह क्यों थी जो बैठी हुई थी। चिची सो गाइस, पिंडी पहुंचने के बाद सबसे पहला जो हमने काम किया ना वो किया कि हमारी एलसीडी खराब हो चुकी थी कैरी की और वो हमने चेंज करवाने के लिए दी है, सॉरी रिपेयर करवाने के लिए दी। ये चेक करें कितनी अजीब लगी है यार, एलसीडी नहीं लगी हुई, अब हम गाने भी नहीं सुन सकते। और मेरा भाई वैसे पहला काम ही था ये, दूसरा काम था पहला काम हो सके। और वहाँ जाके कुछ पेट पूजा करेंगे, साथ में कुछ और खरीदारी खरीदारी शॉपिंग शॉपिंग करेंगे। तो स्टे विद अस। तो गाइस राजा बाजार आने के बाद कराची कैमरा के पास हम लोग आए और उस्मान जो है वो अपने कैमरे का प्राइस लगवा रहा है कितने का सेल होगा। व्यूअर्स को बताएं हम लोग अपने इनको माशाल्लाह हमने जो ऑफर दिया है, इनको एक यूज कैमरा मिला था 265,000 रुपए, हम वो इनको नया दे रहे हैं 255,000 रुपए। वो कौन सा मॉडल है?
ये सिर्फ और सिर्फ कामरान भाई के लिए। यार मैं यकीन माने आज सदका दूंगा, उसकी वजह ये है कि वो वजन उठा उठा के नंगे तो अभी सोच के सुकून हो रहा है, सोच के हो रहा है वो पैसे दे दो ले लो पैसे नहीं ऐसे दे सकते ये मुझे कुछ। फाइनली डेढ़ घंटे की मेहनत के बाद उस्मान ने 610 सेल करके सोनी A6500 ले लिया, जिसके साथ की गाड़ी हमारे पास ऑलरेडी एक अवेलेबल है A6400, हमारे पास A73 भी है सोनी का, तो अभी हमारे पास दोबारा आ चुका है A6500। तो अभी यहाँ से अल्लाह हाफिज करते हैं, इनको पेमेंट करके जाते हैं, शॉपिंग करनी है, कपड़े वगैरह लेने हैं और उसके बाद खाना वगैरह खाने जाना है। तो स्टे विद अस। वैरायटी ये इतनी चीज होती है उसमें बंदे की निगाह नहीं ठहरती कि बंदे की हसरत खत्म ही नहीं होती है, नई से नई नई से नई कॉम्पिटिशन का दौर चल रहा है। अभी जो हाजिर मौजूद है वो तो ले लो ना, वो ये है कि आपने सिर्फ देखे कि आपको जो अच्छा लगा ले रहे हैं भाई। ये चीजें हमने खुलवाई हैं ठीक है, जिसके अंदर मुझे ये ट्राउजर पसंद है एक ये वाला, और ये शर्ट पसंद आई है, इसके अंदर मुझे लार्ज साइज नहीं मिल रहा, ये लार्ज मुझे आती है एक्स्ट्रा लार्ज, मेरी हो गई शॉपिंग कंप्लीट। बाकी बुरहान भाई ने लेनी है, कमरान साहब जो है ये खुलवा के चीजें बैठे हुए, देखिए इनको क्या पसंद आती है। हमें तो पूरी दुकान पसंद है लेकिन पैसे नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, आप मिस्टर शामी हो तो आपको इतना बड़ा चैनल है माशाल्लाह, मुझे एक सूट स्पॉन्सर कर दें। मैं खुद कामरान साहब स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये वो भाई हैं जिनके पास हम शॉपिंग करने के लिए पिंडी स्पेशल आते हैं राजा बाजार। तो इसहाक भाई अपनी शॉप का एड्रेस बता दें ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकें आपके पास। इसहाक भाई अपनी शॉप का एड्रेस बताएं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो भी यहाँ से आके शॉपिंग कर सकें। शॉप बड़ा मार्केट में है, न्यू नेशनल मार्केट है, ईमान गारमेंट्स के नाम से, ये इंपीरियल मार्केट के बिल्कुल सामने है। शॉप का नंबर क्या है? 03225128510, ये व्हाट्सएप नंबर भी है और दूसरा भी है। ये मेरा बहुत प्यारा भाई है और तलांग से ही भरपर से बिलोंग करते हैं, मेरा क्लास फेलो भी है और बड़ा टाइम इसके साथ गुजरा है मेरा। आप लोगों से मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी शॉपिंग करने आए रावलपिंडी में तो जरूर यहाँ पे नेशनल मार्केट के अंदर इनकी कौन सी शॉप नंबर बताइए आपने? ईमान गारमेंट्स है, फर्स्ट फ्लोर में शॉप नंबर 43-44। इनके पास लाजमी है कपड़ों के साथ साथ भाई चाय भी पिलाते हैं। और ये कड़क वाली, और ये बहुत इज्जत देने वाले भाई हैं, अल्लाह ताला ने खुश रखे, इनके कारोबार में मजीद इजाफा फरमाए। आप लोग जरूर आए और अपने भाई को प्रमोट करें, बहुत शुक्रिया। भाई सारे काम करने कराने के बाद जहाँ पे हमने LCD दी थी अपनी वहाँ पे वापस आ चुके हैं। तो आपको कहावत है जितना दिखोती उतार कर लेते हैं, मतलब यहाँ से शुरू किया था एंड भी यहाँ पे ही हो रहा है हमारा। एंड तो नहीं खैर हो रहा है, अभी हमने जाना है खाना खाने, मतलब सब हमारा वेट कर रहे हैं। और गाइस अभी यहाँ आते हुए इतनी जल्दी थी कि मतलब जल्दी जल्दी में ट्रैफिक वाले का रुको अभी हम आपको और ज्यादा जल्दी भेजते हैं, उन्होंने रोक लिया है। फिर जी कामी भाई ने फोन घुमाया मलक साहब और हमारा काम हो गया, ऐसे भी नहीं हुआ। जब फोन घुमाया है ना तो फोन घुमाने के बाद जी उन्हें पता चला है मलक साहब को, उनका आपस में को फटा चल रहा है तो कामी भाई मतलब जैसे भी बात की अच्छे खिलाफ से ऐसे बात स्टार्ट किया तो वो यार इम्प्रेस हो गया कामी भाई। आप छोटे भाई हो, आपके लिए यार मैं आप चले जाओ, खैर आप हमारे गाँव के और आपको हमने माफ कर, इस बार आपको माफ कर दिया, शुक्र हमारी जान छुट गई, अभी जाएंगे खाना खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। भाई भूख लगी सुबह से आए घुमाया, सुबह घूम रहे हैं, कोई खाली पानी और चाय पे चल रहे हैं, सुबह से नींद में रुल उसकी स्टोरी आपको सुनाएंगे बाहर जाएंगे। भाई सीन कुछ ऐसा है कि जब से हम घर से निकले हैं सिर्फ लांडी कोल्ड ड्रिंक और चाय, मतलब क्या कहते हैं, गुजारा था हमारा। और फाइनली रात के 10:15 सॉरी अभी हम लोग खाना खाने शुरू किया, ये देखे जवान टूट पड़े खाने के ऊपर कहीं ये भाई को देखे। इस टाइम पे कोई भी कोई बात करने के मूड में नहीं है, खाना जब आ जाए उस खाने का एहतराम करें क्योंकि इसी के लिए आप जिंदगी में दौड़ रहे हैं। गाइस खाना खा लिया है और अभी जी हम आ रहे हैं गाड़ी की तरफ, चलते हैं हम घर और व्लॉग को भी एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको एक बात बतानी है कि यार जब भी कहीं जाओ ना
चलो गाने ना सुना करो, चलो सुन लिया ना, तो यार ये वाला गाना नहीं सुना, कौन सा नहीं नहीं रुलिया रुलिया भाई, ऐसा रुलिया आज ऐसा रुलिया। तो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, ये हुआ कि जब हम लोग घर से निकले सबसे पहले टायर पंचर हो गया, उसके बाद हमारी टेप खराब हो गई, उसके बाद हम सेट करने गए वो नहीं मिले, उसके बाद कैमरे का लेंस कम इशू बन, पहले कैमरे नहीं सेट हो रहे थे, फिर वो उसके इशू बन गया, फिर जी उसके बाद देर ज्यादा हो रही थी, उसके बाद लेने गए वो हम भी अपने ही मसले निकल रहे हैं, फिर वापस पता चला लेंस खराब हो गया दोबारा हो, फिर लेने फिर जी वहां से निकले चलान हो गए, फिर मलक साहब नहीं आए, खाने को उड़ाने वाली थी गाड़ी से वहां वैसे ही चुबारे भी चढ़ाने वाले थे बढ़ गया और ना मतलब दो तीन तो राउंड लगाए, खाली इसी रोड पे होटल पे आना था, दो तीन राउंड लगाए ऐसे रुले, इसलिए मैंने कहा यार गाने ना लगाए, खास कर ये ना लगाए, और ये इसलिए उस्मान का यार है बोतल लही है गड्डी लेके जानी है एन छड़नी हुई है, इसने कोक उठाई हुई है और मैंने ये पानी वाली उठाई है, मजे की बात बताया कि अब आपसे सो के जाएंगे क्योंकि भाई ट्रेन पे बंद है, जो सोया इधर आओ अन बन टन टन ओ कुत्ता मैं नहीं सो रहा यार, मैं वैसे भी कभी नहीं सोया लेकिन आज तो मेरे इस बात की बात तो बिल्कुल भी नहीं, और यार बस इस व्लॉग को यही एंड करेंगे क्योंकि यार अब बैटरी थोड़ी लो हो रही है, इतनी भी लो नहीं हो रही लेकिन बस अब और कुछ करने को है नहीं ना, गाड़ी में क्या होगा मैं क्या करूंगा क्या करना है ऐसे कुछ तो भाई नहीं, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आई होप गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो यार अब तो लाइक शेयर सारा कुछ करते जाया करो, टेंशन नहीं लेने की, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।